नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। कौन कहता है आज के जमाने में ईमानदारी जिंदा नहीं है? आज के जमाने में ईमानदारी है, ये साबित किया रायपुर करचुलियान के सौरभ कुशवाहा ने, जिनको सड़क के किनारे एक बैग मिला। उस बैग को खोलकर देखने से सौरभ के होश ही उड़ गए। बैग के अंदर सोने चांदी के जेवरात थे, साथ ही कपड़े भी रखे थे। बैग देखने के बाद सौरभ ने सीधे पुलिस के पास जाना बेहतर समझा। सौरभ को लगा इस बैग को पुलिस तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उसके असली मालिक तक इस सामान को पहुंचाया जा सके और ये काम पुलिस बेहतर तरीके से कर सकती है। पुलिस सौरभ की ईमानदारी देखकर कायल हो गई, उसको बकायदा प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम देकर सम्मानित भी कर डाला। पुलिस का मानना था इस तरीके से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि एक अच्छा काम करने से पुलिस सम्मान भी करती है। सौरभ कुशवाहा रायपुर करचुलियान के रहने वाले, सड़क के किनारे बैठकर साइकिल का पंचर बनाते। बीते दिनों उनको सड़क के किनारे एक बैग मिला। उस बैग में सोने के मंगलसूत्र, हार, कान के टप्स जैसे जेवरात मौजूद थे, कपड़े भी थे। सौरभ ने वो बैग पुलिस को सौंपा। पुलिस ने सौरभ को सम्मानित किया। अब पुलिस बैग किसका था, किस तरीके से छूटा था, इसके बारे में पता लगाने में जुट गई है। फिलहाल बैग के अंदर 2 लाख से ज़्यादा के जेवरात मौजूद थे। डीएसपी हिमानी पाठक ने उसको सम्मानित किया सौरभ को। उनका कहना था, हम चाहते हैं अच्छे काम करने वालों को हम सम्मानित भी करें। सुनिए हिमानी पाठक ने क्या कुछ कहा। दिनांक 9 जनवरी को थाना रायपुर अंतर्गत एक सौरभ कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने, लड़की ने, सूचना प्राप्त हुई एसपी सर के माध्यम से, सूचना प्राप्त हुई कि एक उसको बैग मिला हुआ है जिसमें कुछ कपड़े और कुछ जेवरात हैं और अज्ञात बैग था। इसके संबंध में तस्दीकी की गई। थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान और थाना प्रभारी सगरा मौके पर गए और सौरभ कुशवाहा जिस व्यक्ति को वो पर्स मिला था से वो जब्त प्राप्त करके उस बैग को जब्त किया गया। बैग था वो जिसमें कुछ कपड़े और जेवरात थे। वो बैग किसका है उसकी अभी जानकारी नहीं लग पाई है। इसमें सौरभ कुशवाहा को आज नगद सम्मान के रूप में नगद पुरस्कार दिया गया है स्पेशल के द्वारा, ताकि एक क्षेत्र में एक मैसेज भी जाए और लोग और अवेयर हों, मोटिवेट हों, कोई ऐसी कोई जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें और मदद करें। कुछ कपड़े और कुछ सोने की चीज़ें हैं, मंचली और कुछ टॉप्स हैं। थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत सुरसा मणि स्टैंड के पास। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।